हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस मेरा पार्सल आ चुका है और इसका रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं 25 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, बहुत ही मोस्टली यूज होते हैं और इनसे आप अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा बॉक्स कुछ इस तरीके की पैकिंग में है। दोस्तों इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम पास करने का मौका भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसे ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पे पहले ही अपनी इनवॉइस लगी हुई है जिसमें कि इनके प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये मेरे किसी काम के नहीं, इसको फेंकते हैं बाहर। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको इन सभी चीज़ों का प्राइस और इनको कहाँ से मंगाना है, कैसे मंगाना है, ये सारी डिटेल आपको शेयर कर दूँगा। दोस्तों सबसे पहले मेरे पास से 4017 IC जो कि LED चेजर लाइट बनाने में यूज की जाती है। इसका यूज करके आप आर्डिनो के थ्रू अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। तो दोस्तों इसको साइड में रखते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट ईयरफोन लीड का जो आगे का अडाप्टर होता है, कई बार ये आपका टूट जाता है तो वहाँ पर आप इस वाले अडाप्टर का यूज कर सकते हो। इस वाले अडाप्टर का यूज करके आप अलग अलग तरीके के साउंड वाले प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। दोस्तों उसके बाद ये अपना तीसरा वाला है, ये IR, ये ह्यूमिडिटी सेंसर मॉड्यूल है। दोस्तों ये मोमेंट को सेंस करता है, मोशन को सेंस करता है। अगर आप अपने हाथ को हिलाते हैं तो ये तुरंत सेंस करेगा और आर्डिनो को एक सिग्नल दे देगा। दोस्तों इसका यूज करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही चीप है। इन सभी प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, आप वहाँ से इनके प्राइस देख सकते हैं, आप इन्हें वहां से मंगवा सकते हैं। दोस्तों वहां पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इसको साइड में करते हैं। इसके बाद यहां पे मैंने 2 IR रिसीवर सेंसर मंगवाए हैं। ये सेंसर भी मुझे काफ़ी चीप प्राइस में मिल गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे मेरा एक 3 वोल्ट टू 18 वोल्ट तक का एक बजर है जो कि 3 वोल्ट से 18 वोल्ट सभी वोल्टेज को सपोर्ट करता है और इसका बजर भी बहुत अच्छे तरीके से बजता है। दोस्तों इसके बाद अपना जो अगला प्रोडक्ट है वो है एक टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों इसे ओपन करेंगे और इसे एक बार चालू करके देखेंगे चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दोस्तों सस्ता तो काफ़ी था लेकिन अब देखना है कि ये अच्छे तरीके से काम भी करेगा या फिर नहीं करेगा। इसके साथ मुझे 2 सेल मिल जाते हैं साथ में। तो आई होप कि ये यहाँ से ओपन होगा, ये इस तरीके से ओपन होगा। तो इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद दोनों बैटरीज को इसमें बारी बारी से लगा देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों बैटरी लगा दी है, अब इधर देखते हैं। तो दोस्तों मेरा मीटर ऑन हो गया है और इसमें यहाँ पे हीट अपनी शो करती है। तो एक बार यहाँ पे अपना हाथ रख के देखता हूँ। दोस्तों मेरे हाथ रखने से थोड़ा थोड़ा इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा है। यहाँ पे देखिए 26.4 डिग्री सेल्सियस, 27.1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाता है और धीरे धीरे कम करता है, यानी कि इसका सेंसिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो है जिससे आपको थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये परफेक्ट काम करता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की एरर भी है जो कि इसमें परचेज करने से पहले ही कंपनी ने मुझे बता दिया था कि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की एरर आ सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जो कि मेरा लेजर डायोड है। और दोस्तों ये बहुत ही अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट में यूज होता है, जैसे कि सिक्योरिटी अलार्म हो गया, अपना वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन हो गया, इन सारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही सस्ता है। इन सभी प्रोडक्ट का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे मंगा सकते हो। दोस्तों इस लेजर डायोड को भी साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैं टाइमर 555 IC भी मैंने 2 पीस परचेज कर लिया है। ये अपनी क्लॉक पल्स या फिर फ्रिक्वेंसी जनरेशन में काम आती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी IC है, बहुत ही चीप प्राइस में मिलती है। ये शायद मुझे 5-6 रुपए की पड़ी थी।
इसका यूज करके आप अलग अलग तरीके के ब्लिंकिंग लाइट को बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने 10 वे की, दोस्तों ये मिनी एमसीबी है जो कि 10 वे की है, और मिनी एमसीबी दोस्तों मिनी स्विच यहाँ पे 10 एक ही में जोड़ के 10-10 स्विच आपको दिए जाती हैं। इनका यूज करके आप अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, जैसे पावर हब है, पावर लाइन स्टेशन, सब स्टेशन, इस तरीके के प्रोजेक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 छोटे मिनी बजर भी मंगाए हैं जो कि 5 वोल्ट के हैं, और इन्हें हम पीजो बजर बोलते हैं दोस्तों। ये ऑलरेडी एक्टिव मोड में रहते हैं, इनमें पावर सप्लाई देते ही ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं यहाँ पे पावर जैक के फीमेल कनेक्टर्स को भी मैंने परचेज किया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मेल कनेक्टर को भी परचेज किया है, जिससे कि मैं अपने पावर बैंक वगैरह के प्रोजेक्ट को बना सकूँ। तो दोस्तों चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों ये वाली स्विच मुझे 10 रुपये की पड़ी है, आपके लोकल मार्केट में कितने की पड़ती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसके बाद मेरे पास एक और स्विच है जो कि सेम यही मॉडल है। इसके बाद एक छोटी वाली स्विच है जो कि अपने माउस वगैरह में यूज होती है। इसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटिव टच स्विच है दोस्तों, ये मुझे 29 रुपीज़ की पड़ी है, और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करे दोस्तों। ये कैपेसिटिव है, एक बार टच करने पे लाइट ऑन, दोबारा टच करने पे लाइट ऑफ होती है। इसमें अलग से कोई भी डिवाइस नहीं लगाना पड़ता है, इसमें सिंपली आपको पावर सप्लाई देना है और यहाँ से आउटपुट ले लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 स्विच मैंने और लिया है जो कि 2 अलग अलग मोड पे ऑपरेट करती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे BMS ले लिया है जिसके द्वारा मैं 5 एम्पीयर 12 वोल्ट की बैटरी बना सकता हूँ दोस्तों, छोटी वाली लिथियम आयन सेल का यूज करके। कुछ इस तरीके के 3 सेल का यूज करके मैं यहाँ पे 5 एम्पीयर 12 वोल्ट की बैटरी बना सकता हूँ इस मॉड्यूल का यूज करके, और ये मॉड्यूल काफ़ी सस्ता भी है दोस्तों, ये फुली ऑटोमेटिक है दोस्तों। एक और स्विच, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स ले लिए हैं जिनका यूज मैं पावर सप्लाई देने के लिए करूँगा अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे कुछ क्लिप्स और हैं जिसके द्वारा मैं अपने स्टैंड को बनाऊँगा जिसमें कि मैं अपने PCB को माउंट कर सकूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स मेरे मिक्स सिरेमिक कैपेसिटर है जो कि अलग अलग वैल्यू के 5-5, 6-6 पीस टोटल मिक्स किए हुए हैं, और दोस्तों इसमें मुझे लग रहा है कि सारे अलग अलग छोटे छोटे पाउच में हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे पाउच में अलग अलग रेजिस्टेंस के वैल्यू यहाँ पे हैं। यहाँ पे ढेर सारे कैपेसिटर्स हैं दोस्तों। इन सभी के बाद मैंने यहाँ पे 4 DC मोटर्स परचेज किया है जो कि मुझे काफ़ी चीफ मिले हैं। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, आप वहाँ से इन्हें परचेज कर सकते हो दोस्तों। इनकी स्पीड काफ़ी बेहतर है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक मोटर को आपको चला के दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस मोटर को चलाने के लिए मैंने छोटी सी बैटरी का यूज किया है दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है और इसकी स्पीड भी काफ़ी है दोस्तों, 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक सभी वोल्टेज में ऑपरेट कर सकती है दोस्तों। इन मोटर्स का यूज करके हम कई अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि अपना DC फैन हो गया, DC मोटर हो गया, और बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।